मेरे पिताजी शिबू सोरेन नहीं है, वरना आज मैं भी हेमंत होता। कि जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन बोला है। पहले तो भैया ये पार्क में आप आ गए, जितना कार्बन डाइऑक्साइड था सब आप बाहर कर दीजिएगा। पनिया जितना गंदा है ना भैया, उतने गंदा सरकार का पॉलिसी है। नेताओं के पाप के वजह से जो है पनिया जो है ज्यादा गंदा हो गया। इसको भी बनाया गया पेडिक्योर और मैनिक्योर के लिए, लेकिन आज अभी इसमें सांप है भैया। सांप बैठा, मैट्रिक पास किया और नौकरी लो। उन्होंने कहा हम पेड़ों में चढ़ने का प्रैक्टिस किए। कसम से बता रहे पॉइंट फट गया है भैया। झूठ नहीं भैया, दो सिकवा को साट दिए हैं और हेड और टेल नहीं है, दोनों दिन हेडे है। और जने उछलाएंगे तो यही ना जीतेंगे। और हेडे बुढ़ा गए तीन जगह सर, शादी लगा मेरा लेकिन कट गया, नौकरी नहीं है। पका है कि नहीं पका है आपका बाल? तो भैया पका नहीं, लेकिन कान में देखिए बाल आ गया है। तो झारखंड के युवाओं को दिक्कत है, झारखंड के छात्रों को दिक्कत। मंत्री हैं वो, शिक्षा मंत्री नहीं भिक्षा मंत्री हैं वो, झारखंड के युवाओं को भिक्षा मांगने के लिए। सर हम लोग टोटो चला रहे हैं तैयारी करते करते। क्या टोटो चला? अभी आपको से मिलने के लिए कि मनीष कश्यप भैया आए हुए हैं, तो हम आपको झारखंड में चुनाव जीतने का मुद्दा क्या है? भाषा, जाति, धर्म। झारखंड में एगो कमाल का ग्राउंड है, ऑक्सीजन पार्क उसका नाम है, और अभी मैं उसी ऑक्सीजन पार्क में हूँ। ये ऑक्सीजन देता है जानते हैं किसको? भ्रष्ट लोगों को। देखिए यहाँ पे ईमानदार युवा जो झारखंड के हैं, वो JSSC और JPSC का जो नीति है, नियोजन नीति, उससे इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, इतने परेशान हो गए हैं कि आज जो है बेरोजगारी की आग में जो है वो जलने के लिए मजबूर हैं। ये सरकार आने से पहले कहा था कि हम 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सार्वजनिक है ये। महोदय ने अपने ट्विटर, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उन्होंने ट्विटर अकाउंट पे आपके जाइए, उनके पेजेस पे जाइए, निर्मल महतो की समाधि पर उन्होंने कहा था कि 5 लाख नौकरी नहीं तो राजनीति से संन्यास। संन्यास लिए कि नहीं अभी तक? नहीं संन्यास, हम उस पॉलिटिकल बातों में नहीं जाएंगे, हमें संन्यास आपका नहीं चाहिए, हम पॉलिटिकल पार्टी के नेता नहीं है। स्टूडेंट नेताओं के साथ राजनीति नहीं करेगा, नेता स्टूडेंट के साथ राजनीति भले कर ले, कह सकते हैं। ये हमारी कह सकते हैं कि विशेषता है कि हम बहुत ज्यादा मुद्दों पे नहीं जाते। नहीं तो अगर छात्र अगर राजनीति करना शुरू कर दिया ना, तो वही कहावत है ना कि जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है। अभी तक हम लोग मौका दे रहे हैं, 3 साल हो गए इस सरकार को, 3 साल, 3 साल हो गए, 3 साल में एक भी नियुक्ति नहीं दी गई, ना इनके पास कोई नीति है। और सबसे मेन तो इनके पास नीति है, लाखों पद भरे पड़े हुए हैं, दरोगा का, सिपाही का, लाखों पद भरे हुए हैं, 3.5 लाख से ऊपर पद है, लेकिन इनका निकालने का अभी फिलहाल कोई मंशा नजर नहीं आता। और क्या क्या करप्शन हुआ है JSSC में और JPSC में? सबसे पहले तो भैया ये पार्क में आप आ गए, जितना कार्बन डाइऑक्साइड था सब आप बाहर कर दीजिएगा, हमको ही पता है। और सरकार की जरा कैमरवा इधर कीजिए, जितना पानी गंदा है ना, कैमरवा लाइए ना भैया जरा इधर। ये पनिया जितना गंदा है ना भैया, उतने गंदा सरकार का पॉलिसी है। और हम गाना के माध्यम से बोलेंगे, यूं ही तुम मुझसे वादा करते हो या निभाने का भी इरादा है। आज भी हमको हेमंत है तो हिम्मत है, लेकिन सर इनके जो शिक्षा मंत्री है वो बोलते हैं अरे ये तो रघुवर दास का पाप था, हम काहेला धोए। तो उनके पाप को अगर आप नहीं धोना चाहते हैं तो हम लोग धोना चाहते हैं? ऐसा तो नहीं ना होगा भैया। हम JPSC में नेताओं के पाप के वजह से जो है पनिया जो है ज्यादा गंदा हो गया। इसको भी बनाया गया पेडिक्योर और मैनिक्योर के लिए, लेकिन आज अभी इसमें सांप है भैया, सांप काटेगा उसी नेतवन के जैसा। और भैया हम आपको बता रहे हैं, JPSC में हमको सपना था कि DSP बनेंगे, लेकिन आज हम DSP नहीं, देखिए हम कहां पे हैं भैया। और हम ज्यादा नंबर ला के भी बाहर हैं, काहे कि जनरल से हम फाइट किए, और अगर लड़े तो मनुवादी कह दिया गया। बहुत सारा मुद्दा है इस देश में, 28 राज्य है, और हमारे देश की लड़कियों का 38 टुकड़ा होता है। अरे मुझे पता है मेरे पिताजी शिबू सोरेन नहीं है, वरना आज मैं भी हेमंत होता, लेकिन मेरी नीयत और मेरी नीति इतना बढ़िया होती कि मैं ऐसा नियोजन नीति बनाता कि मैंने बच्चा बैठा मैट्रिक पास किया और नौकरी लो। इन्होंने कहा मुर्गी पालन कीजिए, इन्होंने कहा छगरी पालन कीजिए, इन्होंने कहा हम पेड़ों में चढ़ने का प्रैक्टिस किए। कसम से बता रहे हैं पॉइंट फट गया है भैया, झूठ नहीं बोल रहे। लेकिन सरकार वैसा नियुक्तियां नहीं लाया कि कभी पेड़ों पे चढ़ने का मौका मिले। बोले नहीं पहले दौड़ो तब नौकरी देंगे। भैया अपने दम पे मैंने केस किया JPSC में, और 7th JPSC को बाय डेट मैंने बोला 15 तारीख को रुकवा दूंगा। और माननीय उच्च न्यायालय एक ही तो है, जनता का एक ही जगह उम्मीद है, और वह माननीय न्यायालय। जब जब उधर रुख करता है तब तब न्याय मिलता है, और हमको मिला, मेंस देने के लिए भी मिला। भैया मेरे पास मार्कशीट है, हम लाए 621 फेल हैं, और जेल लाइकन लाया 615 616, वो पास है भैया।
भैया बताइए कहाँ का ये अन्याय है। और वो जो न्याय नहीं, न्याय नहीं ना भैया, ये बेरोजगारी का आलम है कि सब भूल रहे हैं हम लोग, समझिए बात को। तो इस चीज में हम यही कहते हैं कि ऐसा नियोजन नीति बनाइए। अभी कौन बात है कि आप 10-12 वाला मैटर लेते हैं, 2 साल उसमें घिस दिया। नीति शिबू सोरेन हेमंत सोरेन मिल के अच्छा बनाए हैं, देख रहे हैं ईडी का रेट जो है लगातार धकाधक पड़ रहा है। अरे नहीं भैया, ये दो सिकवा को साट दिए हैं और हेड और टेल नहीं है, दोनों दिन हेडे है। और जने उछलाएंगे तो यही ना जीतेंगे, हेडे बोलेंगे बार बार, हम लोग को टेल बोलने का मौका नहीं देंगे। ये बड़ा गलत नियत है। इस साल समझ जाइए हम 2013 से तैयारी कर रहे हैं कुणाल भैया के साथ जुड़ के, जो है इनके सब कुछ हम लेके पढ़ते हैं लेकिन नौकरी नहीं है, पूरा मेहनत करते हैं। क्यों बुढ़ा हो गए होंगे 9 साल? अरे हम बुढ़ा गए हैं, 3 जगह सर शादी लगा मेरा लेकिन कट गया, नौकरी नहीं है। इसलिए हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये सच्चाई है। क्यों जब मैंने इंटरव्यू दिया, बहुत बड़ा ज्वेलरी का दुकान था, उसका जो है रिश्तेदारी आ गया मेरे पास, बढ़िया हमको सब कुछ मिलता लेकिन मैं दहेज प्रथा का विरोध करता हूँ। बात है कि सीधा का सतुआ टी पकवान, समझ रहे हम टी क्यों बोले, क्योंकि वहां गाली है। तो वही चीज है, हम लोग झारखंड के विद्यार्थी सीधे हैं, नहीं लड़ना जानते हैं, हम लोग इंतजार करते हैं। 2014 से आप JSSC का एग्जाम ले रहे हैं जी, बात बतिया रहे हैं, 1032 सीट पे हवा का कट गया आपका, बियाहवा काहे कट गया, ये भी एगो पॉइंट है। देखिए सर, एक तो होता है माए बाप और ऊपर से होता है गुरु। गुरुजी तो बहुत अच्छा हम लोग को शिक्षा दिए लेकिन हम लोग का नौकरी नहीं हुआ शुरू। माता पिता को लगा कि नहीं बाल बच्चा जो है मेरा शादी ब्याह सेट हो जाएगा तो अपना सेटल हो जाएगा, लेकिन नौकरियाँ नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है। अब उसका परिवार वाला रेडी नहीं है कि नहीं भाई नौकरी नहीं है तो कैसे शादी होगा, यही सब तो बात है। भैया मनीष भी आपसे हम मिले थे दिल्ली में और आप भले ही बाय फेस हमको नहीं पहचान रहे हैं, तो बाल पका है कि नहीं पका है आपका? बाल तो भैया पका नहीं लेकिन कान में देखिए बाल आ गया है। यहाँ किसी का कान में बाल नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। नौकरी नहीं मिला, नौकरी तो है ही नहीं, लेकिन हिम्मत है तो हिम्मत है। मैं इनके आलोचना नहीं कर रहा हूँ लेकिन मुझे अफसोस है कि मेरे पिताजी शिबू सोरेन है नहीं, समझ रहे हैं ना। अगर होते तो हम भी राजगद्दी संभालते। और हम इनको कहते हैं कि इस राज्य का जो भविष्य है, इस राज्य को जो आगे लेके जाएगा वो युवा लेके जाएगा, और उनका जो कंधा और पैर मजबूत नहीं रहेगा, जांग मजबूत नहीं रहेगा तो कैसे डार्क स्टेट हो जाएगा जी। सब देखिए कि एकदम गुजराती आ गए, महाराष्ट्रियन आ गए, तमिलनाडियन आ गए, सारा FDI उधर चला जाता है। हम लोग के यहाँ क्या आता है? कुछ नहीं आता है। अब यहाँ पर बैठ के हम लोग क्या करते हैं? मेन्स का इंतजार करते हैं, PT का इंतजार करते हैं और होता कुछ नहीं है भैया। बात ये मनीष भैया, आपके चैनल से हम लोग बात अपना रख रहे हैं, बाकी यहाँ बहुत लोग हैं बोलने के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट हैं। सबसे बड़ा विडंबना इस बात का है भैया कि हम JSSC CGL सचिवालय से आय का तैयारी करते हैं, तो 2015 से अभी तक CGL का बहाली कंप्लीट नहीं होने पाया है। तो 2015 में निकली थी वैकेंसी उसकी, उसके बाद रद्द हो गया एग्जाम होने के बाद, फिर 2019 में निकला नियोजन नीति, रद्द होने के बाद फिर से रद्द हो गया, अभी फिर 2021 में निकला था वैकेंसी और 2022 में नियोजन नीति रद्द होने के बाद फिर से रद्द हो गया। मतलब 15 से लेकर के 2023 तक अभी तक हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ये हम लोग साथ तो बहुत अन्याय है भैया, यही चीज हमारा कहने का मतलब है। 2000 से अभी तक मात्र 7 बार हुआ है ये क्लियर हुआ है JSSC CGL। तो देखिए सबसे पहली बात है कि हम लोग झारखंड की अभ्यर्थी हैं और हम लोग का कंसर्न क्लियर है। पहली बात तो हमारे जो है स्टेट में 2018 से लेकर के अभी तक एक भी जो है वैकेंसी कंप्लीट नहीं हुई है। रीजन क्या है? लगातार ऐसी नियोजन नीति बनी, ऐसी नियोजन नीति बनी जो कोर्ट के लफड़ा में फंस गई और अभी तक ये तो केवल कहनामा है सर के हेमंत है तो सरकार है, कुछ ऐसा नहीं। हेमंत है तो हिम्मत है एकदम, 2-4, 10-20 साल और हिम्मत रखिए आप लोग। हेमंत है तो झारखंड के युवाओं को दिक्कत है, झारखंड के छात्रों को दिक्कत है। हेमंत है तो दिक्कत है, जरा सोचिए हेमंत सोरेन, आप गरीबों की बात करते हैं और नौकरी की तैयारी जो है ना गरीब के ही बच्चे करते हैं। शिबू सोरेन का बच्चा जो है वो नौकरी की तैयारी नहीं करता है, वो लूट की तैयारी करता है और आप लूटे हैं इसलिए आपके ऊपर ईडी का हमेशा रेड होता है। हेमंत सोरेन जी हेमंत है तो बच्चों को यहाँ पे दिक्कत है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात किए थे, काहे नहीं दिए आप? काहे कि 5 लाख युवाओं का हक तो आप लोग मार लिए। पल्स हॉस्पिटल, हाई हॉस्पिटल, हाउ लूट करते रहे आप लोग, युवाओं को रोजगार नहीं मिला।
और गरीबों को तो बांट दिया जाए, कभी खतियान में बांट दिया जाए, कभी बॉर्डर में बांट दिया जाए, कभी स्टेट में बांट दिया जाए, कभी जाति के नाम पे बांट दिया जाए, कभी धर्म के नाम पे बांट दिया जाए, कभी क्षेत्र के नाम पे, कभी भाषा के नाम पे बांट दिया जाए, कभी पार्टी के नाम पे बांट दिया जाए कि ये पार्टी का वर्कर है, कभी ये वो फलाना ढिकाना, और ये लोग बटे रहेंगे। एक बार जाल फेंकेगा ये लोग फंस जाएंगे, सच्चाई यही है। कोर्ट ने यही बोला भी, अभी के वर्तमान जो नियोजन नीति जो है इसको स्क्रब किया गया कोर्ट से, उसने बोला कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 का वायलेशन हो रहा है। कौन वायलेशन कर रहा है? सरकार कर रही है खुद ही। अरे तो सरकार करेगी तो सरकार के ऊपर कोर्ट कार्रवाई करे ना, आप करेंगे तो आपको अभी उठा के यहीं से जेल में डाल दिया जाएगा। अभी रहा है, आप अभी करेंगे गलती, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। मेरे ऊपर नोटिस इशू हुआ है इस चीज को लेके, लेकिन मैं डरने वाला नहीं, ठीक है? अगर सच के लिए अगर आगे लड़ेंगे तो बाधा जरूर आएगी, और वो हमेशा लड़ेंगे, किसी के कहने से रुकेंगे नहीं, डरेंगे। युवाओं को रोजगार देने की बात किए थे, वो बैनर पोस्टर है उनका, कुछ दिखाइए दिखाइए आप लोग। झारखंड के लोग देखिए, 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात जो है आदरणीय शिबू सोरेन के बेटा हेमंत सोरेन ने किया था चुनाव से पहले, और ये पेपर का कटिंग है, और 5 लाख युवाओं का जो है हक जो है चुनाव के बाद मार गए, खा गए, इसलिए ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई उनके ऊपर रेड मार रहा है। ये देखिए शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री क्या बोलते हैं? शिक्षा मंत्री कौन से क्लास तक पढ़े हैं? मैट्रिक पास है। कौन से क्लास तक? मैट्रिक पास तक। मैट्रिक तक है सर, मैट्रिक पास। फेल है मैट्रिक। झारखंड के शिक्षा मंत्री कौन से क्लास तक पढ़े हैं? मैट्रिक फेल है। क्या बात करते हैं, झूठ बोल रहे हैं महाराज, चुप रहिए। शिक्षा मंत्री मैट्रिक फेल और शिक्षा मंत्री बन जाएगा का? फेल है। आप बोलते हैं कि मुर्गी पालिए, सुअर पालिए, वो भी देख के उनको शिक्षा मंत्री बनाया गया है कि सबको मैट्रिक फेल कर, अब मैट्रिक फेल। 5 लाख जो नौकरी की बात किया हम लोग, भिक्षा मंत्री है वो, शिक्षा मंत्री नहीं भिक्षा मंत्री है वो, झारखण्ड के युवाओं को भिक्षा मांगने के लिए काम कर रहे हैं। उनसे पूछा जाता है तो बोलते हैं रघुवर दास का पाप है, यही तो सबसे बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी भूल है। हमको पांडे मांझी में बांटते हैं, झारखंड का जो जनता है उसको शिक्षा मंत्री पांडे और मांझी में बांटते हैं, जाति में। कितना साल से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं? हो तो गया भैया 10 साल ही, 2023 आ गया, 2013 से लगे थे, 23 चल रहा है, 7वां 8वां दिन चल रहा है जैसा की। और रहा बात की तैयारी का, तो यहाँ का जो आलम है, नौकरी तो मिला नहीं, लेकिन अब हम एक शिक्षक बन गए हैं, और मेरा काम इतना ही है कि हम जितना अधिक से अधिक लोगों को अब ठग सके, अब हम भी तो वही ना करेंगे भैया, नौकरी नहीं दे रहे थे, यही अगर नौकरी लग गया होता तो अभी हम अपने स्टेट का यहाँ पे सेवा करते, लेकिन ये भी बात हमको पता चला कि हम DSP बन जाते तो अपना ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए भी हमको 50 लाख पैकेट में रखना पड़ता। ये भी बात है, इस राज्य की सच्चाई है, यहाँ के जो नेता मंत्री हैं इस बात को कहते हैं। तो हमने अभी एज ए शिक्षक साइंस टेक हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पढ़ाने का काम शुरू किया है, डेली 1500 कमा लेते हैं, उसी से पेट अपना चल रहा है भैया। और जहाँ तक सदिया वाला बात है, सदिया नहीं हुआ, एकदम होना ही नहीं है, और मेरा चेहरा बहुत अच्छा थोड़ी ना है भैया, पैसा रहेगा, हरा हरा नोट रहेगा, नहीं अब तो लाल हो गया, लाल लाल नोट रहेगा तबे जो है जिंदगी बनेगा हम लोग का। अब एक चीज और है, लास्ट में हम एक चीज बोलेंगे कि यहाँ पे एक बढ़िया नियोजन नीति बनना चाहिए, एक कमेटी बनना चाहिए, और 1932 को लागू कर दीजिए विशेष संशोधन के साथ, ताकि कोल्हान वाले क्षेत्र में कुछ हंगामा नहीं हो, और सारे चीजों को माननीय मुख्यमंत्री साहब देखिए, आपका तो घर बसा हुआ है, कम से कम हम लोग को झोपड़पट्टियों तो नसीब करवाइए, कपड़ा खरीदने का पैसा नहीं है, कपड़ा तो छोड़ दीजिए। संविधान दिवस के दिन संविधान की पूजा करेंगे और उसी संविधान का बखिया उधेड़ेंगे। आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है कि जाति, रंग, भेदभाव और जन्मस्थान के आधार पर किसी को भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन झारखंड की रगो रग में इन लोग जो है किस आधार पर बांटे हैं? झारखंड के आदिवासियों को रोजगार मिला क्या? बिल्कुल नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला। झारखंड के SC ST को रोजगार मिला क्या? मिला, लेकिन सर हम लोग टोटो चला रहे हैं तैयारी करते करते, क्या टोटो चला? अभी आपको मिलने के लिए कि मनीष कश्यप भैया आए हुए हैं, तो आपको मैं उधर में टोटो लगाया हूँ, आप देख सकते हैं, और उधर से मैं आपसे मिलने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। क्या कर रहे हैं? नेताओं के चक्कर में जब जब आप लोग बटिएगा, बर्बाद होइएगा, आप ही लोग बट जाते हैं ना। पास उत्पाद विभाग भी है, उत्पाद विभाग भी है, वो जब दारू वाला जब दारू लेते हैं क्या कहते हैं, सुअर पालिए, मुर्गा पालिए। और एक बात और क्या बोलते हैं, कितना दिन एग्जाम? सुअर पालिए, मुर्गा पालिए, पालेंगे हम लोग सुअर और मुर्गा, ये बात सत्य है, लेकिन आप भी पालिए सुअर और मुर्गा, आपका बचवा भी पाले सुअर और मुर्गा, उनके बच्चे विदेश पढ़ेंगे, और झारखंड के भैया एक बात, सुअर मुर्गा पाले,
उनके बच्चे विदेश पढ़े और यहाँ का लोग सुअर मुर्गा पालना जो है वो गुनाह नहीं है, मैं फिर से कह देना चाहता हूँ। लेकिन जो सजेशन आप इन बच्चों को दे रहे हैं वो सजेशन आप अपने बच्चों को भी दीजिए। आप अपने बच्चों को नॉन मैट्रिक मैट्रिक फेल शिक्षा मंत्री जी आप अपने बच्चों को जो है विदेश में पढ़ा रहे हैं और झारखंड के बच्चों को बोल रहे हैं सुअर पालिए मुर्गा पालिए, ये कौन सा टेक्नोलॉजी है? इस सरकार में शिक्षित मंत्री भी है, ऐसा नहीं है। रामेश्वर राव जी आईपीएस हैं, वो मुद्दे की बात भी बोलते हैं लेकिन उन लोगों की कोई बात, ऐसा नहीं कि सभी लोग अनपढ़ हैं, कुछ पढ़े लिखे भी हैं लेकिन उनकी बात सुनाई नहीं जाती। सिर्फ वन एंड ओनली जो है एक ही मुद्दा है कि किसी भी हिसाब से नौकरी नहीं देनी है, मुद्दों को भटका के रखना है, आपस में बांट के रखना है, हमारी राजनीतिक रोटी सीखती रहे, तुम्हें रोजगार ना मिले। और रोजगार नहीं मिलेगा तो एससी एसटी वाला जो है ओबीसी से लड़ेगा, ओबीसी वाला जनरल से लड़ेगा और आपस में ही लड़ते रहो और हम जो है सबका हक मार के जो है मलाई खाते रहेंगे और सजेशन देते रहेंगे। नौकरी नहीं मिले तो सुअर पालो मुर्गा पालो, यही होता है। ऐसा है कि अभी वर्तमान दौर में हम लोगों के पास कोई नियोजन नीति नहीं है, या कि स्टूडेंट अधर में है, उनको पता ही नहीं कि उनका भविष्य क्या होगा। हम लोग किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, पता नहीं है कि भविष्य क्या होगा। स्टूडेंट को नहीं पता है तो स्टूडेंट के गार्जियन को भी नहीं पता होगा कि हमारा बच्चा का भविष्य क्या है। तो स्टूडेंट और स्टूडेंट के गार्जियन जो है ऐसे भ्रष्ट नेता को चुनाव के समय में वोट क्यों देते हैं? ये झारखंड में सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो सरकार के जो मुद्दा है, पहले एगो लुटेगा, फिर अगली बार सरकार बदल जाएगा तो वो लुटेगा, फिर बदल जाएगा तो वो लुटेगा, जिसको मौका मिलेगा वो लुटता ही है। मुद्दा क्या है? मुद्दा सुनिए, झारखंड में चुनाव जीतने का मुद्दा क्या है? भाषा, जाति, धर्म, और मैं बता रहा हूँ कि यही सब मैं बता रहा हूँ कि कोई भी लोग यहाँ पे जो प्रत्यर्पण पुनर्वास नीति है, जो लोग जो है विस्थापित हो गए हैं उसका नीति है, या फिर आपका जो है रोजगार के मुद्दा हो गया, या फिर झारखंड की जो है इनोवेशन की बात हो गया, इस पर कोई राजनीति नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ इन लोग जो है जाति धर्म भाषा यही सब के नाम पर बांटेंगे और हम लोग को बेवकूफ बनाएंगे। नियोजन नीति के नाम पर हम लोग को 2018 से लेकर अभी तक बेवकूफ बनाया जा रहा है, लेकिन कोई आवाज उठाने वाला कोई नेता नहीं है। विगत 22 वर्षों में झारखंड में एक स्पष्ट नियोजन नीति लोग नहीं बनाने पाए अभी तक। जो भी सरकार आती है वो नियोजन नीति चेंज है, ऐसा क्यों करती है ये जानने के लिए हम देखिए मैं बताता हूँ। ये सरकार आएगी तो ये अपने हिसाब से बनाएगी ताकि हम जो है लूट सके, अगला सरकार आएगी तो वो अपने हिसाब से बनाएगी ताकि हम लूट सके। तो सर कोई बात नहीं, सर देखिए एक भैया सुनिए, ए भाई लोग ध्यान दीजिएगा ये बतिया को, ये तो यहाँ हम लोग बोल रहे हैं, इतना चिल्ला रहे हैं, गला फाड़ रहे हैं, ये बतिया उन लोग भी देखेगा और लास्ट में कान निष्कर्ष निकालेगा, बता है बोलेगा अरे ये सब बीजेपी वाला करवा रहा है। लेकिन सुनिए, ये बीजेपी वाला नहीं करवा रहा है, ये हम लोग का खून जो दौड़ रहा है ना शरीर में नौकरी पाने के लिए, और हम लोग का जो घर परिवार बसेगा वो चिंता करवा रहा है और कोई नहीं करवा रहा है। इसलिए आप ये भी मत सोचिएगा कि ये सब बीजेपी कर रहा है। और बात सुन लीजिए, बीजेपी भी रोजगार दे नहीं रहा है, क्लियर हम बोल दे रहे हैं। रघुवर दास भी यहाँ पे रोजगार नहीं दिए थे, वो भी युवाओं का इस्तेमाल किए और उसके बाद से जो है शिबू सोरेन हेमंत सोरेन की सरकार आई वो लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं सीधा सीधा एक बात कह रहा हूँ कि जो भी सरकारों ने जो किया, अब के यहाँ के लड़कों का मुद्दा है, मैं आपके माध्यम से आप आए झारखंड की धरती पे और हम लोग बहुत ही आपके शुक्रगुजार हैं। गुंजन भैया के माध्यम से आपसे परिचय हुआ, मैं आप दोनों का स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं, लेकिन मैं आपके कैमरे के माध्यम से एक बात करता हूं कि मूर्ख मनाना बंद करिए। यहां के जो छात्र हैं, जो मूलवासी हैं, उनकी नौकरी के लिए आप जो है खतियान आधारित बात करते हैं, बिल्कुल दीजिए, हम लोग भी मांग करते हैं, लेकिन एक कमेटी बनाइए और उस कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए कि भाई ये सही है या गलत है, क्योंकि आप हर बार खेला करके निकल जाते हैं, लोग बेवकूफ बनाते हैं और आपस में लड़ते हैं। इसलिए मैं मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि खतियान आधारित नीति बने। लेकिन अच्छा, एक बात बताइए, दुनिया का सबसे अमीर राज्य कौन सा है? मैं भारत का नहीं पूछ रहा हूँ, पूरी दुनिया का पूछ रहा हूँ, ग्लोब पे जितना स्टेट है उस पूरी दुनिया में सबसे अमीर राज्य कौन है? झारखंड है, 40% मिनरल पूरे ऑल ओवर इंडिया, झारखंड है। सिर्फ भारत का नहीं बोल रहा हूँ मैं, पूरी दुनिया का ग्लोब उठा के देख लेना, सबसे अमीर राज्य झारखंड है, क्योंकि इसके पास सबसे ज्यादा खनिज संपदा है। और सब सुनिए एक मिनट, और सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहाँ है? और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कहाँ? झारखंड में। सबसे ज्यादा लूट कहाँ? झारखंड में। सबसे ज्यादा निकम्मा नेता कहाँ? झारखंड में। और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ हम हैं, क्योंकि हमें अलग अलग मुद्दों में बांट दिया गया है। कोई खतियान के लिए लड़ रहा है, कोई जाति के लिए, कोई धर्म के लिए, कोई एससी एसटी के लिए, कोई ओबीसी के लिए, कोई स्वर्ण के लिए, कोई आदिवासी के लिए, और हम लोग आपस में लड़ रहे हैं। नेताजी लोग जो है मलाई खा रहे हैं। नेताजी लोग बोलते हैं बेरोजगारी वाली बात है, ये जो बेरोजगारी वाली बात है वो मनीष भैया जो है ये सच तक न्यूज पर नहीं बोल रहे हैं, ये सीएम आई
ई का रिपोर्ट बोल रहा है कि झारखंड के साथ साथ झारखंड के साथ में ही छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भी जो है राज्य बना एक साथ में 2000 में। लेकिन वहां पर देखिए कि झारखंड में जो बेरोजगारी दर है 18% से अधिक है और छत्तीसगढ़ में कितना है 3.4 और उत्तराखंड में कितना है 4.2%। यहाँ पर 4 गुना से अधिक झारखंड को सिर्फ और सिर्फ लूटने के लिए बनाया गया, क्योंकि छोटा राज हो जाएगा, इसका खनिज संपदा को लूटा जाएगा, कोई आवाज नहीं उठाएगा। जब झारखंड बिहार एक साथ था, बड़ा राज था, अगर भागलपुर में कोई लूटता था तो रांची से आवाज उठता था, और रांची में कोई लूटता था तो भागलपुर से आवाज उठता था। लेकिन दोनों राज को बांट के दोनों राज को खूब लूटा गया। बाकी यहां से हमारा यह प्रयास कैसा लगा, जेपीएससी के बच्चों का भविष्य के बारे में आप क्या सोचते हैं, जेएसएससी के बच्चों के भविष्य के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। और सरकार जो लूट रही है उसका रिलाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस पर भी आप लोग अपना राय जरूर रखना। जय हिंद।